वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पाकिस्तान अपने खुद को लोगों को, अपने खुद के नागरिकों को मरवा रहा है खुद के लोगों के द्वारा। जी हाँ, और कहीं ना कहीं ये भारत के इंटरेस्ट में भी है कि उन नागरिकों को बचाया जाए, और ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी करवा रही है। कहाँ करवा रही है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और ये किस लिए भारत के लिए मायने रखता है और भारतीय गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। 6 मई को लॉकडाउन के, कोरोना के इस दौर में भी एक्चुअली पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रांत है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत एरिया वाइज मैं बात कर रहा हूँ है बलूचिस्तान। और पाकिस्तान की जो आबादी है उस आबादी का लगभग 5% लोग ही उसमें रहते हैं, बलूचिस्तान में। और एरिया जो है बलूचिस्तान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान का लगभग आधा एरिया बलूचिस्तान में है, लगभग 44% एरिया। और पाकिस्तान की जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज संपदा, यूरेनियम, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोना, कॉपर, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, बलूचिस्तान में हैं। और पाकिस्तान का जो सबसे डीप पोर्ट है, बंदरगाह, ग्वादर, वो कहाँ है, बलूचिस्तान में है। और चाइना का जो सीपीसी प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है बलूचिस्तान, और चाइना का जो सीपीसी प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो हमारा पीओके से तो जाता ही है, हमारा पीओके से निकल के वो बलूचिस्तान तक जाता है, ग्वादर बंदरगाह तक। और वहाँ ह्यूज अमाउंट में बहुत सारा चाइनीज इंजीनियर वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, और वहाँ की संपदा का दोहन किया जा रहा है, खनिज संपदा का। और वहाँ के लोग पाकिस्तान का सबसे गरीब लोग हैं, जहाँ के खनिज संपदा से पाकिस्तान चलती है वहाँ के लोग सबसे पुअर हैं, अशिक्षित हैं, उनकी ज़िंदगी जीने का ढंग क्या है, जब अर्थव्यवस्था ही खत्म रहेगा, आप उनसे उनका जो दोहन करोगे संसाधनों का, और उनको उसका कहीं का भी दोहन करोगे संसाधनों का, तो उसका चंक तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप दीजिएगा नहीं तो वहाँ के लोग तो गरीब रहेंगे। ये सारी चीज़ें मैं बताया कि ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आइए कुछ हिस्ट्री के पन्नों में चलिए। 1948 तक की बात बोल रहा हूँ, बलूचिस्तान एक आज़ाद कंट्री हुआ करता था, अंग्रेजों के समय की बात छोड़ दीजिए, एक आज़ाद कंट्री हुआ करता था बलूचिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान को इन्वेड कर दिया, आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके जबरदस्ती वहाँ के राजा को फोर्सफुली बोला कि तुम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करो। हालांकि एक राजा की है, वहाँ चार राजा थे, करवा लिया, लेकिन तुरंत उसके बाद वहाँ विद्रोह स्टार्ट हो गया पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिश काल में भी बलूचिस्तान की एक अपनी अलग संसद हुआ करती थी, और पाकिस्तान के आर्मी ने जब कब्जा किया, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत छोटी है, और एरिया क्या है, पानी की कमी है, वहाँ रेतीली रेगिस्तान जैसा एरिया है, वो पानी की कमी है। और जब विद्रोह शुरू हुआ तो पाकिस्तान आर्मी ने उसको दबाना शुरू किया, क्योंकि वो आज़ाद कंट्री था, पाकिस्तान आर्मी ने दबाना शुरू किया, और दबाते दबाते इस हद तक चले गए कि जब 1971 में 90,000 सैनिक हमारे, पाकिस्तान के 90,000 सैनिक जब इंडिया के जेलों में बंद थे, और इंदिरा गांधी ने उस सैनिकों को छोड़ा, तो पाकिस्तान ने क्या किया, ये 90,000 सैनिकों को ले जाके बलूचिस्तान में भेज दिया, और वहाँ भीषण रक्तपात किया गया। जो लोग विद्रोह कर रहे थे उनके खिलाफ सिर्फ नहीं, उनके घर वालों के खिलाफ और वहाँ के नागरिकों के खिलाफ, क्योंकि वहाँ बलूचिस्तान में क्या है, गांवों में रहता है आबादी, सब ज़्यादा आबादी गांवों में रहती है बलूचिस्तान की, गांवों को घेर कर
गांवों को घेर कर भीषण रक्तपात किया गया। और यहाँ से 90,000 गई, और फिर वहाँ वो, हालांकि अगर इंडियन गवर्नमेंट ही इनको ख़त्म कर देता कहानी तमाम थी, लेकिन फिर भी हम मानवता मानते हैं, आत्मीयता मानते हैं, हमने उनके सैनिकों को छोड़ा और वो सैनिक जाके वहाँ कुकर्म किए। 2004 में क्या है, ये आज़ादी की जो तहरीक थी चलती आ रही थी बलूचिस्तान में, जो भी नेचुरल गैस वहाँ से निकाला जा रहा था, वहाँ के लोगों को खुद नेचुरल गैस नहीं मिलता है खाना पकाने के लिए, वहाँ के लोगों को खुद नहीं मिलता है। और पाकिस्तान के रावलपिंडी जनरल्स ये सब के घरों में पाइपलाइन से पहुँचता है, समझ जाइए, और वहाँ के लोग गरीब हैं। तो 2004 में, 2004 में सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गया, वहाँ के जो आज़ादी के तहरीक थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, और वहाँ के एक कद्दावर नेता, बुगती बलूचिस्तान में एक्चुअली ट्राइबल लोग रहते हैं ज़्यादातर, वो शिया और सुन्नी मत भी मानते हैं दोनों, लेकिन ज़्यादातर सुन्नी मत मानते हैं, और वो ट्राइबल्स रहते हैं, वो ट्राइबल्स के एक बहुत बड़े नेता बलूच ट्राइब के अकबर बुगती, जो कि 80 साल के थे, वो पाकिस्तान के गवर्नर भी रह चुके थे एक प्रांत में, गवर्नर भी रह चुके थे एक प्रांत में, उनको क्या किया गया, वो क्या है कि सोच रहे थे कि कुछ पैसा मिलेगा, वो मांग करते रहे कि जब आप हमारे संसाधन ले जा रहे हो हमारे यहाँ से, तो ये संसाधन हमको कुछ इसका चंक हमारे लोगों पर भी खर्चा करो, हमारे लोगों को भी शिक्षित करो, हमारे एरिया में भी हॉस्पिटल खोलो, हमारे एरिया में भी सड़कें बनवाओ, क्योंकि बोले ना पाकिस्तान की लगभग सारी संसाधन बलूचिस्तान प्रांत में है, सारी खनिज संपदा, यूरेनियम आता है, अगर यूरेनियम उसके पास नहीं होता तो समझ आइए पाकिस्तान का क्या हाल होता, बम बनता ही नहीं कभी, बम कभी बनता ही नहीं, यूरेनियम वहां से आता है, पेट्रोलियम वहां से आता है, नेचुरल गैस वहां से आता है, कोयला आता है, कॉपर आता है, एल्यूमिनियम आता है उस बलूचिस्तान प्रांत से। तो फाइनली क्या हुआ कि वो बगावत कर दिए पाकिस्तान से, और उस समय थे मुशर्रफ का राज, और वो बहुत बड़े नेता थे, उनके लोग उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे, और फाइनली पाकिस्तान के आर्मी ने ऐसा दबाव बढ़ाया, ऐसा दबाव बढ़ाया उनको, उनको अपने घर से निकल के भागना पड़ा, और एक कहा जाता है कि एक गुफा में बेचारे छुपे हुए थे, 80 बरस के बूढ़ा मैं बोल रहा हूँ, 80 बरस का बूढ़ा आदमी, और गुफा में छुपे हुए थे, पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ गैस छोड़ दिया उस गुफा में, और गैस छोड़ के उनको मार दिया। वो क्या सोचे थे कि हम 80 बरस के बूढ़े को मार के बहुत वो बड़ा वो कर लेंगे, लेकिन उससे इतनी भड़की, हाँ वहाँ नए नए संगठन बने, और अभी सबसे बड़ा संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहाँ की सबसे बड़ी संगठन है, जो पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ मुकाबला कर रही है, और जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन मिला लीजिए, ये सेम सिचुएशन है 1971 का बांग्लादेश का, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान के गर्दन पे तलवार लटकी है, जिस तरह इंदिरा गांधी ने अपना दरिया, अपना पहले से भाप लिया था कि अगर हम बांग्लादेश बांट देते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, उसी तरह मोदी गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए, अभी के भारतीय गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, कभी सेम सिचुएशन बन रही है बलूचिस्तान में, सेम सिचुएशन बन रही है बलूचिस्तान में, आप बलूचिस्तान को बांट दीजिए पाकिस्तान से, अगर बलूचिस्तान को बांट दीजिएगा पाकिस्तान से तो अर्थव्यवस्था तो है नहीं उसकी, अर्थव्यवस्था तो खत्म हो गई पाकिस्तान की, कृषि के भी अब लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि भारत ने जो पानी दे रहा था, भारत का हिस्से का भी पानी जो जा रहा था उस पर भी भारत डैम बना रहा है, और 2-4 साल में उसका इफेक्ट लगने लगेगा, और कृषि की भी हालत खराब होगी, तो पाकिस्तान टूटेगा, और सेम सिचुएशन बन रही है, किस तरह से बन रही है अभी ये समझिए, बांग्लादेश वाली सिचुएशन बन रही है। 1971 में क्या हुआ था कि पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में क्या किया था, वहां के औरतों को रेप, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मैं ये नहीं बोल रहा कि धर्म के आधार पर रेप हुए थे, खाली हिंदुओं को हुआ था वहां, मुस्लिमों को हुआ था, हिंदुओं को हुआ था, जो भी आबादी थी सारे लोगों को हुआ था, बोला जाता था कि ये लोग काले हैं, ये लोग काले हैं, इनकी नस्लें बदल दो, और जो भी औरतें बच्चा पैदा कर सकती थी उनको कैंप में ला ला के बलात्कार किया गया, बांग्लादेश की बात बोल रहा हूँ, और वहाँ
कि लोग जब पलायन करके इंडिया आने लगे तो इंडिया ने मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया, जो कि आर्म्ड, उनको अस्त्र शस्त्र दिए, सारी चीजें दी, और फाइनली वो मुक्ति वाहिनी बहुत बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान को डिवाइड करने में, और हमने बांग्लादेश बनाया। उसी तरह की सिचुएशन अभी वहाँ है। कहा जा रहा है कि 50,000 आतंकवादी, पाकिस्तान बोलता है आतंकवादी, लेकिन वो आतंकवादी है नहीं, वो अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उनको इंडिया को अब सपोर्ट करना चाहिए, उनको इंडिया को पक्का सपोर्ट करना चाहिए, उनको अस्त्र शस्त्र दो, रॉ लगाओ, क्योंकि उस एरिया में, बलूचिस्तान में, एक भी बम फटता है, एक छोटा सा बम भी फटता है, दो चार लोग घायल भी होते हैं, तो बलूचिस्तान प्रांत का जो टट्टू है, वहाँ के गवर्नमेंट का, पाकिस्तान के गवर्नमेंट का टट्टू जो वहाँ का शासक है, वो सीधा आके क्या बोलता है कि ये इंडिया का रॉ करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है। तो बदनाम तो आप ऐसे भी हो, बदनाम तो आप ऐसे भी हो, तो बदनामी अगर ऐसे ही मोल लेनी है तो आप कुछ करिए। वहाँ अस्त्र शस्त्र दीजिए, अपने संस्था लगा के वहाँ के लोगों को मजबूत करिए। सेम सिचुएशन है वहाँ, अगर आप उसको बांटते हो तो एक तो 44% एरिया जाएगी, हाँ, और सब 44% एरिया जाएगी, और वहाँ खनिज संपदा जाएगी, पाकिस्तान टूट जाएगा अपने आप, सिर्फ पंजाब बच जाएगा, एक पंजाब क्या कर लेगा वो, ठीक है। और ये देखिए कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, रोज बयान देते रहते हैं, ट्वीट्स रोज करते रहते हैं कुछ ना कुछ इंडिया के खिलाफ, रोज रोज मानवाधिकार का वो मुद्दा उठाते रहते हैं कश्मीर में। अब मैं उनके, आप लोगों को ये बताता हूँ कि वहाँ मानवाधिकार का क्या है सिचुएशन, आपको बताता हूँ। 25,000 लोग वहाँ मिसिंग है, 25,000 लोग मिसिंग है, उनका कोई रैया गोहैया नहीं है, उनका कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ गए, उनको मार दिया गया, वो जिंदा है, कुछ भी पता नहीं है। और अब देखिए बताता हूँ कि वहाँ कैसे क्रुअलिटी हो रही है, क्रूरता की जो हदें हैं किस तरह पार कर दी गई है वो मैं बताता हूँ। होता क्या है कि वहाँ के खुद के लोग, बलूचिस्तान के, एक तो आबादी वहाँ कम है, वहाँ आबादी कम है, कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि बांग्लादेश तो इंडिया से लगता था, बांग्लादेश इंडिया से लगता था, ये इंडिया से लगता नहीं है बलूचिस्तान, तो कैसे इंडिया अपना रोल प्ले करेगा, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और सारे देश से कनेक्टेड है, और इंडिया का अच्छा खासा प्रभाव कहाँ है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से उसकी बॉर्डर लगती है, ईरान से उसकी बॉर्डर लगती है, अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया मदद कर सकता है, ठीक है, अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया मदद कर सकता है, ईरान के थ्रू इंडिया मदद कर सकता है, और ईरान के भी लोग मदद कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान जो एरिया था वो कुछ पार्ट अब ईरान में भी है, वहाँ के लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन ईरान में क्या है, वहाँ के लोग कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि तुम बलूच हो, तुम ये हो, तुम वो हो, सबको इक्वल राइट्स है वहाँ, बट पाकिस्तान में वो चीज़ें नहीं है। अब जो लोग भाग जाते हैं पहाड़ों पे जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, 50,000 लोग, उनके क्या किया जाता है, गांवों को घेर लिया जाता है, गांवों को घेर कर उनके औरतों और उनके बच्चों को उठा लिया जाता है, और पाकिस्तानी आर्मी की रेप कैंप्स हैं, ठीक है, औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता है, मैं क्या खुल के बोलूं उसके बारे में, रेप्स तो होते ही हैं, औरतों बच्चों का ऑर्गन्स निकाल लिया जाता है, और ये ऑर्गन ट्रेड करके चाइना भेज दिया जाता है, ऑर्गन का ट्रेड चाइना में कर दिया जाता है। कोई भी आदमी, कोई भी आर्मी अपने लोगों के खिलाफ अगर अपना लोग को अपना समझेगी, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, माओवादी हैं, माओवादी पे कभी भी बमबारी नहीं की गई है, नहीं किया गया है, क्योंकि वो अपने लोग हैं, फाइटर प्लेन के द्वारा बमबारी नहीं किया गया है। हमारे यहाँ मानवाधिकार के लोग बोलते हैं कि जैसे भी भूले भटके लोग हैं पर अपने लोग हैं, आर्मी नहीं लगाई गई है अभी तक, हाँ, क्योंकि अपने लोग हैं। वहां क्या है, फाइटर प्लेन से बम गिराया जाता है, वहां के खुद के लोगों पे फाइटर प्लेन से बम गिराया जाता है, लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, घरों से उठा लिया जाता है, ऊपर से मार के फेंक दिया जाता है हेलीकॉप्टर से, घरों से लोग गायब रहते हैं, सडनली 1 साल के बाद लाशें मिल जाती है उनकी, मास ग्रेव्स मिले हैं, ये सारी बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ के बलूच नेता बोलते हैं, और ये बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं इसके,
मास ग्रेप्स मिले हैं सैकड़ों की संख्या में, और एक एक ग्रेप्स में 100-100 सबों हैं। कहा जाता है कि जैसे जापान क्या करता था कि चाइनीज लोगों को खंदा खोदता था, जिंदा गाड़ देता था, वहां बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी खंदा खोद के जिंदा गाड़ दे रही है लोगों को, ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है। और वो लोग अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी आवाज के लिए लड़ रहे हैं। और 2016 में हमारे प्रधानमंत्री ने ये बातें बोली थी लाल किले से, 15 अगस्त को बोली थी, बोला था हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे आर्मी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए बलूचिस्तान का नाम लिया था, और ये पटल पे बहुत बड़ा मुद्दा बना था। फिर किसी कारण से हमारी गवर्नमेंट उस हिसाब से नहीं सपोर्ट कर पाई। अब क्या हो रहा है चाइना में, चाइना भी इसका बहुत बड़ा उत्तरदायी है, पाकिस्तान की आर्मी तो उत्तरदायी है ही, चाइना के लोग भी उत्तरदायी हैं इसके लिए, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व है, उनको इंटरेस्ट है वहां ग्वादर बंदरगाह पे। अब ग्वादर बंदरगाह पड़ता है बलूचिस्तान में, वहां का सोना भी करा है चाइनीज लोग निकाल के लेके चले जा रहे हैं। और ये नायला कादरी आके जब इंडिया में सारी बातें बोली थी, ब्रह्मदत्त भुक्ति जो कि अकबर भुक्ति के पोते हैं, वो अपना नया पार्टी बना लिए हैं, और वो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये मुद्दा उठा है, लेकिन अमेरिका इसको बोलता नहीं है, क्योंकि अमेरिका का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, चाइना का तो है ही, तो लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? मैं ये नहीं कहता कि वहाँ के लोगों पे रेप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके ऑर्गन्स निकाल के बेच दिए जा रहे हैं, मास ग्रेव्स मिल रहे हैं, और उनकी पॉपुलेशन कम है, तो अगर इसी तरह से अत्याचार होते रहे, 100-200 लोग रोज उठाते रहे, तो उनकी पॉपुलेशन कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी। और अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, डेथ स्क्वाड्स बनाए गए हैं। डेथ स्क्वाड्स में क्या होता है, पाकिस्तान की आर्मी इस लॉकडाउन में क्या कर रही है, वहाँ के लोकल क्रिमिनल्स को पैसे दे के सपोर्ट करके, कुछ अपने आर्मी के लोगों को भेज के, वहाँ के जो भी हैं लोग उनको सीधा मार दे रहा है, जो भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ थोड़ा भी माइंड सेट उधर रखते हैं उसको मार दिया जा रहा है। उनके क्या होता है कि कोई घर से बाहर निकले, उनके औरतों, उनके बहनों, मतलब उनकी बीवी, बच्चों, उनके माओं को उठा लिया जाता है, रेप किया जाता है, बोलता है आप नहीं तो इसका भी ऑर्गन्स निकाल के बेच देंगे, और उनको लाके फिर उनको मार दिया जाता है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ मानवता है, क्योंकि दो देशों के इंटरेस्ट होते हैं, मानवता तो होती है, लेकिन दो देशों का अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, इंडिया का भी पर्सनल इंटरेस्ट है। कैसे है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि अगर वो टूट गया तो पाकिस्तान का जो खनिज संपदा है वो गया, यूरेनियम गया, पेट्रोल गए, जो भी निकलता है नेचुरल गैस गए, कॉपर गया, ये तो हुआ ही। दूसरा, 44% एरिया चला जाएगा पाकिस्तान, हाफ देश बच जाएगा। तीसरा है कि चाइना को हम लाख मना करते रहे, चाइना हमारे पीओके से गुजर के वहां तक गया, और वो एरिया हमारे एरिया से ज़्यादा नज़दीक है, समुद्र में हमारे एरिया से ज़्यादा नज़दीक है, और चाइना यहाँ भी पाइट बना रहा है इस समुद्र में, इंडियन ओशियन में, जहाँ हमारा प्रभुत्व होना चाहिए और अभी तक है, वहाँ चाइना बनाना चाह रहा है। अगर हम जो ईरान के बंदरगाह है उसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ईरान के बंदरगाह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम जाएंगे कहाँ से, ग्वादर होके जाएंगे। अगर वहाँ चाइना का प्रभुत्व होगा तो चाइना सारी चीज़ें देखेगी, और जब चाइना सोचेगी वो रास्ता ब्लॉक कर देगी, तो फिर हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कैसे करेंगे, ये भी बात है। और चाइना हमारे पीओके से गया बिना पूछ के, तो हमको भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि उसको फेल्योर करो, ये हमारे इंटरेस्ट में है। और चूंकि पाकिस्तान की अभी अर्थव्यवस्था खस्ता हाल में है, और वहां के लोग खुद भी ट्राई कर रहे हैं, बोले ना वहां के लोकल क्रिमिनल्स डेथ स्क्वाड बना दिया है पाकिस्तानी आर्मी अभी इस लॉकडाउन में, और वहां के लोगों को मार दे रहा है सीधा, वहां क्रिमिनल्स के द्वारा मार दे रहा है, बोला आर्मी इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। और ये बातें 6 मई को 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया गया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो लोग भी लड़ रहे हैं उसके खिलाफ, तो उनको मारा गया पाकिस्तानी आर्मी को। उसमें 2-3 लोग ऐसे मिले हैं जो डेथ स्क्वाड के मेंबर थे, वो पाकिस्तानी आर्मी से नहीं थे, वो कर क्या रहे थे उनके साथ। और आज की खबर है, अभी हाल फिलहाल के आज की खबर है, 2-3 घंटे पहले की खबर है, कल क्या हुआ है, बोल रहा है कि सोमवार को रात को पाकिस्तान के 7 आर्मी को फिर मारा गया, मौत के घाट उतारा गया। वो लोग अपना युद्ध लड़ रहे हैं, जस्ट आपको पुशअप करना है, ये मुद्दा आपको उठाना है,
जिससे क्या होगा कि पाकिस्तानी आर्मी जो कश्मीर में हरकतें कर रही है और कश्मीर में जो रोज़ मानवाधिकार का वो उठाता है, मुद्दा उठाते रहता है, आग उगलते रहता है और कश्मीर में रोज़ अपना लोगों को भेजते रहता है, अब उनको क्या है उस एरिया को बचाना पड़ेगा। उस एरिया में भी अब जाना होगा उनको, अपने पूरा संसाधन झोंकना होगा, तो कश्मीर से भी अपना कंट्रोल वो खोएंगे और हमारी आर्मी वहाँ, मतलब हमारे आर्मी को भी चैन मिलेगा। और जो लोग को भेज रहे हैं थोड़ा ध्यान उनको उन पर भी लगाना होगा, रिसोर्सेज है नहीं तो कितना जगह लगाएंगे। और ईरान इसमें सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से कर रहा है कि ईरान के जो बलूच लोग हैं वो उन लोगों से इमोशनली जुड़े हैं, वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इमोशनली जुड़े हैं वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तानी आर्मी उनके खिलाफ़ भी बोला है कि आपके यहाँ से आते हैं अटैक करके आपके यहाँ चले जाते हैं। इंडिया को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, इंडिया के ये फेवर में है। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।